हेलो एवरीवन, मेरा नाम अभिजीत श्रीवास्तव है और मैं पिछोर सुपरी एमपी से बिलोंग करता हूं। तो सबसे पहले मैं जीटॉक्स को धन्यवाद करना चाहूंगा कि मुझे यहां आने का अवसर दिया। और आज की कविता मेरी उन बेटियों के लिए है जो जन्म से पहले ही मार दी जाती हैं। ये मैंने आज से कुछ दिन पहले लिखी थी, जब मैं न्यूज़ में देख रहा था कि नदी के किनारे कुछ मांस के टुकड़ों को कुत्ते खा रहे थे और बाद में जाँच के दौरान पता चला कि वो एक फीमेल फीटस के थी। फीमेल फीटस होता है कन्या भ्रूण के। तो मेरी कविता का टाइटल है कन्या भ्रूण हत्या। उस पर मैंने कविता लिखी थी कि दर्द भरा जो दिल में मेरे, दर्द भरा जो दिल में मेरे, उसको निकाल रहा हूँ मैं। कुछ लोगों के सच को सबके जहन में डाल रहा हूँ मैं। मैं बात बताता उन बेटी की जो दुनिया में आ नहीं पाती हैं। मैं बात बताता उन बेटी की जो दुनिया में आ नहीं पाती हैं, जो धरती के कुछ हैवानों द्वारा अजन्मी ही मार दी जाती हैं। धरती माँ भी रोती होगी, धरती माँ भी रोती होगी जब उस पर कन्या भ्रूण को कुत्ते खाते जाते हैं। धरती माँ भी रोती होगी जब उस पर कन्या भ्रूण को कुत्ते खाते जाते हैं। तो किसी जगह काली रातों में नदियों में फेंक दिए जाते हैं। ना जाने इंसानी कैसे इतने हैवान हो जाते हैं। यदि आप लोगों के अंदर से भी आवाज़ आए तो बताना कि ना जाने इंसान ये कैसे इतने हैवान हो जाते हैं। अरे खुद क्यों चुल्लू भर पानी में डूब नहीं हो जाते हैं। शैतान कहूँ हैवान कहूँ पास मेरे अल्फाज नहीं। बस इंसान नहीं कह सकता इनको जिनको मानवता का लिहाज नहीं। कभी लक्ष्मी दुर्गा को, जैसे नवदुर्गा आती है ना तो नौ कन्याओं को ढूंढते फिरते हैं लोग, है ना, और फिर जब साक्षात घर में आती हैं तब इनको डरते हैं। तो कभी लक्ष्मी दुर्गा को मंदिर में पूजा करते हैं। बड़ी विडम्बना इस समाज की कि इनको घर में लाने से डरते हैं। अरे बिन नारी बाकी रिश्तों के तत्व कहाँ से लाओगे। गहराई से सोचो खुद का अस्तित्व कहाँ से लाओगे। अरे इज्जत दो हर बेटी बहन को, इनको दुनिया में आने दो। मानवता की इस दुनिया में इनको भी पैर जमाने दो। फिर बने कोई झांसी की रानी, कोई प्रतिभा उषा बन जाए। प्रतिभा पाटिल उषा, पीटी उषा। फिर बने कोई झांसी की रानी, कोई प्रतिभा उषा बन जाए, शायद फिर कोई कल्पना चावला फिर से अंतरिक्ष पे चढ़ जाए। मान बने स्वाभिमान बने हम भारत का अभिमान बने। जब बेटा बेटी सास चले तो स्वर्णिम हिंदुस्तान बने। थैंक यू। और जी टॉक्स के माध्यम से, मैं अभी हैदराबाद के सभी ने सुना होगा, तो जी टॉक्स के माध्यम से मैं देश के सभी माता पिता से निवेदन करना चाहूँगा कि बेटियों की बंदिशों पर इतनी व्यस्त ना रहें कि बेटों को संस्कार देना ही भूल जाए। थैंक यू सो मच।